ये अपना मैट्राइसिस का लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में जहां पर हम लोगों ने खत्म किया था उसके आगे ही हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके, तो हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस देखेंगे। अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस में क्या है, सबसे पहले है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसपोज हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। ओके, डेफिनेशन में इसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत ही ईजी है। तो ये देखो, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। ओके, इसका ये ट्रांसपोज फाइंड आउट किया है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, मान लो ये कॉलम 1 है, ठीक है। तो इस कॉलम 1 को हमने रो 1 में लिख लिया। ओके, दिख रहा है, -1 3 4, -1 3 4 को हमने लिख लिया। इस कॉलम 2 को हमने रो 2 में लिख लिया, 5 -2 7। ओके, तो या तो हम लोग कॉलम को रो में लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने कॉलम 1 को रो 1 में लिख दिया एंड कॉलम 2 को रो 2 में लिख दिया। तो कैसा होता है जब हम लोग ट्रांसपोज लिखते हैं, तो ये जो ऑर्डर होता है ना, ये भी फ्लिप हो जाता है, ठीक है। तो कैसा है, यहाँ पर 3 रोज था, 2 कॉलम्स था। अभी जब हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 रोज 3 कॉलम्स मिलेगा। ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स मीन्स ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इन टू एन, इन जनरल दिया हुआ है यहाँ पे एम इन टू एन। ओके, द मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए। इट इज डिनोटेड बाय ए मीन्स ए पावर, ये ए के पावर में डैश है। ओके, ये डैश है। ओके, और ए पावर टी, द ऑर्डर ऑफ ए पावर टी। ओके, द ऑर्डर ऑफ ए पावर टी इज एन इन टू एम, मीन्स अगर ए का ऑर्डर एम इन टू एन है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, एन इन टू एम। तो यहाँ पर एम क्या है, रो है, एन यहाँ पर एन क्या है, कॉलम है। तो यहाँ पर ये फ्लिप ए के पावर टी में क्या हो जाएगा, ये जो एन है वो रो है और ये एन है वो कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हम लोग को मिलता है। ओके, मान लो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, यहाँ पे 1 2 5 और 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रांसपोज निकालना है। तो कैसा होगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि हम लोग रो वाइज भी ले सकते हैं। मान लो इस रो को मैं कॉलम बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया, ये इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, इस रो को मैंने ऐसे कॉलम में लिख लिया, ठीक है। अभी दूसरे रो को मैं दूसरे कॉलम में लिख लेता हूँ। इस तरह से हम लोग ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, दिख रहा है। ये R1 था, हमने इसको कहाँ पे लिख लिया, C1 में लिख लिया। ये हमारा R2 था, उसको हमने कहाँ पे लिख लिया, C2 में लिख लिया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स जो भी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं चेक कर सकते या फिर नहीं बोल सकते, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स का नाम है। ओके, यहाँ पर ए आई जे एन इन टू एन इन जर्नली लिखा हुआ है, जितने भी चाहें उतने एलिमेंट के हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, 2 बाई 2 3 बाई 3 या फिर 4 बाई 4। तो बेसिकली तुम लोगों के इसमें 3 बाई 3 के ऊपर नहीं है। ओके, इन विच ए आई जे एंड ए आई मीन्स ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी मैं अच्छे से बता देता हूँ कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर। ओके, मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, इन जनरल ले रहा हूँ, A11 A12 A13। ओके, तो यहाँ पर A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये कितना है, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं। ओके, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स लिया। तो अभी ये जो पहला वाला है ना, ये आई को इंडिकेट करता है और ये जो दूसरा वाला है वो जे को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो कैसा होता है कि अभी अगर हम लोग बोलेंगे तो इसको हम लोग इसके साथ में कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर करते हैं और इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है।
ये 2 1 है और ए 1 2 है। देखो आई और जे, अगर आई का वैल्यू यहाँ पर 1 है, जे का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 1। ओके, अगर यहाँ पे आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1। ओके, अगर यहाँ पे आई का वैल्यू 2 है और जे का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या मिलता है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों एलिमेंट को कंपेयर करते हैं और इन दोनों एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं। तो भी कब होगा, जब यहाँ पर और यहाँ पर जो वैल्यू है और साइन, दोनों का वैल्यू और साइन अगर सेम होगा इन दोनों जगह पे, और यहाँ पर वैल्यू और साइन सेम होगा, और यहाँ पर वैल्यू और यहाँ पर का वैल्यू और साइन सेम होगा, तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इन शॉर्ट, ये दोनों का वैल्यू और साइन सेम होना चाहिए, इन दोनों का वैल्यू और साइन सेम होना चाहिए, इन दोनों का वैल्यू और साइन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी। ओके, तो देखो अभी जो हम लोगों ने चेक किया था, ये देखो, ये दोनों सेम है। ठीक है, वैल्यू सेम है मतलब दोनों जगह पे एच है, और दोनों का साइन सेम है मतलब दोनों पॉजिटिव है। अभी ये दोनों को देखो, ये दोनों जगह पे क्या है, वैल्यू सेम है और साइन भी सेम है, साइन मतलब दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पर देखो, ये दोनों वैल्यू भी सेम है और इन दोनों का जो साइन है वो भी सेम है। ओके, यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ है, द डायगोनल मैट्राइसेस आर सिमेट्रिक। अगर डायगोनल मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो डायगोनल मैट्राइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डायगोनल अगर हम लोग रिवाइज कर ले, तो डायगोनल क्या होता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ओके, तो मैं मान लो यहाँ पर बोल देता हूँ, यहाँ पर 1 है, 1 है और ये 2 है। ठीक है, एक 0 0 0 0 और ये 0। ओके, तो क्या है, डायगोनल मैट्राइसेस ऐसा ही होता है कि नॉन डायगोनल पोजीशन पे जीरो होता है, और डायगोनल पे क्या रहेगा वो डेफिनेशन में हमको नहीं बताया हुआ है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्राइसेस भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और नल स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस अगर जीरो मैट्रिक्स है और वो जीरो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 बाई 3 हो, 2 बाई 2 हो या 4 बाई 4 हो, कहने का मतलब है स्क्वायर हो। ओके, जीरो मैट्रिक्स हो और स्क्वायर हो, तो वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ये दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू, वैल्यू सेम होता है बट दोनों का साइन डिफरेंट होता है। देखो, एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, वैल्यू सेम है दोनों जगह पे बट साइन डिफरेंट है। ठीक है, सिमेट्रिक और स्कीव सिमेट्रिक में इतना ही डिफरेंस है। सिमेट्रिक में क्या होता है, वैल्यू और साइन दोनों सेम रहेगा, स्कीव में क्या होता है, वैल्यू सेम होगा बट साइन डिफरेंट होगा। इन दोनों में से कोई एक माइनस, इन दोनों में से कोई एक माइनस, इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा, वैल्यू सेम होगा। ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ए आई जे एन इन टू एन, मतलब रोज और कॉलम दोनों सेम होने चाहिए, ए आई जे इन जनरल एलिमेंट्स बताया हुआ है, इन विच ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे इज कॉल्ड अ स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे ए आई जे इज, तो कहने का मतलब है कि अब जब ये जो सेम है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए स्क्यू में। ओके, सिमेट्रिक में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं कि डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए या नहीं जीरो होने चाहिए, बट हमेशा याद रखना स्क्यू में क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये देखो, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, कंडीशन याद रहेगी। अगर स्क्यू चेक करना है तो सबसे पहले डायगोनल तो जीरो है या नहीं है, मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो है देन इन दोनों का वैल्यू और साइन, मीन्स वैल्यू सेम होगा, दोनों का साइन डिफरेंट होगा। यहाँ पर इन दोनों का वैल्यू सेम होगा, साइन डिफरेंट होगा, इन दोनों का वैल्यू सेम होगा, साइन डिफरेंट होगा।
इस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि दिया हुआ मैट्रिक्स जो है स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, यहाँ पर नोट देख लेते हैं। यहाँ पर जो नोट है वो ट्रांसपोज का है। तो अगर मान लो कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसका हमने ट्रांसपोज निकाल लिया, ए ट्रांसपोज, और मतलब मैट्रिक्स ए से हमने ए ट्रांसपोज निकाला है, अगर हम लोग इसका वापस से ट्रांसपोज लेंगे, ओके, तो क्या मिलेगा हम लोग को? ए मिलेगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो फिर क्या मिलता है? ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज है तो क्या होगा? मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ओके, थर्ड देख लेते हैं क्या है। इफ बी इज अ स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ट्रांसपोज। ओके, अगर एक मैट्रिक्स दिया है, अगर वो स्कीव है, तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद वो मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज होगा। ओके, फोर्थ वाला देखते हैं, अ नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर नल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो क्या होगा? स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, एक और नोट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब ए मैट्रिक्स है उसका हमने ए ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, मींस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, यही कहना चाहता है। ठीक है, तो लास्ट सेशन में मैंने तुम लोग को बताया था इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस क्या होता है। अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस 1, 2, 5, 6, ये मेरा मैट्रिक्स ए है। ओके, मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ एक, 1, 2, 5, 6। ठीक है, तो इक्वालिटी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं? दोनों का ऑर्डर चेक करते। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 2/2 है। यहाँ पे भी ऑर्डर क्या है? 2/2 है। दो रोज हैं, ओके, एंड दो कॉलम्स हैं। पहला वाला रोज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो कितने रोज हैं? दो रोज हैं। कितने कॉलम्स हैं? दो कॉलम हैं। ओके, चलो ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए अगर इक्वालिटी चेक करना है। एंड देन उसके बाद मैंने क्या बताया था कि हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करेंगे। तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? सेम है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि वो दो मैट्रिक्स क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी मैंने तुम लोगों को बता दिया था। ओके, एडिशन वाला लास्ट लेक्चर में, और सब्ट्रैक्शन भी बता दिया था। ओके, अभी एक चीज रह गई है, हम लोग सब्ट्रैक्शन को ए माइनस बी को, मीन्स ए माइनस बी को ए माइनस सॉरी प्लस माइनस बी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? अभी मान लो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर मुझे फाइंड आउट करना है, मैं बोलूंगा कि एक मैट्रिक्स दे दिया मैंने और बोला कि फाइंड 3A, तो कैसे मिलेगा 3A? तो अगर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो राइट साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये देखो इस तरह से मिलेगा, -1, 5, 3, -2, 4, 7। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ये जो 3 है, ओके, वो 3 क्या होगा? सबको मल्टीप्लाई होगा, अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तभी जाके हम लोगों को क्या मिलेगा? 3A मिलेगा। ठीक है, मान लो अगर मल्टीप्लाई करना है तो 3 से, तो ये कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, और ये 21 आएगा। तो इस तरह से ये क्या करना है, अगर ये
सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 3a मिल जाएगा। तो यही है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इफ a इज एनी मैट्रिक्स एंड k इज अ स्केलर, ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिया, इन जनरल के लिए k बोला है, मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं कि हर बार 3 रहेगा, ओके, कुछ भी हो सकता है। तो इन जनरल यहाँ पर k लिया हुआ है, देन द मैट्रिक्स इज ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ a, मतलब a के सारे एलिमेंट्स को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर k से, इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीपल ऑफ a एंड इज डिनोटेड बाय k ऑफ a। अभी ये देखो इन जनरल लिखा हुआ है, इफ a इज इक्वल्स टू a j m इनटू n एंड k इज एनी स्केलर देन k इनटू a इज इक्वल्स टू k, देखो मल्टीप्लाई किया हुआ है, सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब स्केलर मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया था मल्टीप्लाई करके, उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर कोई और फाइंड आउट करना है, मान लो यही एक मैट्रिक्स दिया और बोला है कि 4a फाइंड आउट करो, तो लेफ्ट साइड में भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड में भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से हम लोग 4a फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी सी आर 3 मैट्रिसेस, ओके, एंड अल्फा बीटा आर स्केलर्स देन, ओके, मींस ए प्लस बी कर लो या बी प्लस ए कर लो, ओके, मींस दो मैट्रिक्स दिया है, अगर ए प्लस बी करके फाइंड आउट करेंगे और बी प्लस ए करके फाइंड आउट करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आता है। पिछले लेक्चर में हमने एक सम किया था 2.2 का, उसमें हम लोगों को मिला था a प्लस बी का वैल्यू, मीन्स a प्लस बी में जो मैट्रिक्स मिला था वो किसके इक्वल था, b प्लस ए के मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। अभी एक सिंपल जस्ट जो स्टेटमेंट है मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो ट्रू एंड फॉल्स में पूछ सकते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे, ओके, मीन्स अगर दे दिया मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो हम लोगों को क्या करना है, वहां पर अगर ट्रू पूछा है मीन्स लिखा है अगर मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव और बताना है कि ट्रू है फॉल्स है, तो ऐसी सब सिचुएशन के लिए ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है वो हम लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अभी इसके बाद जो सेकेंड है ए प्लस बी, मीन्स पहले ए प्लस बी मैट्रिक्स निकालेंगे फिर उसको सी से ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे क्या बोला है, पहले b प्लस सी निकालेंगे फिर a से ऐड कर देंगे, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, ओके। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो क्या कहता है कि अगर एक मैट्रिक्स है, अगर हम लोग a मैट्रिक्स को o के साथ ऐड कर रहे हैं, o का मतलब है यहाँ पे जीरो और नल मैट्रिक्स, या फिर ए को जीरो के साथ ऐड कर रहे हैं या फिर जीरो जीरो मैट्रिक्स को ए के साथ ऐड कर रहे हैं, तो आंसर क्या मिलेगा, ए जीरो मैट्रिक्स इज कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड इट इज आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन, मतलब यहाँ पे जो जीरो है वो क्या है, आइडेंटिटी है किसके लिए, मैट्रिक्स एडिशन के लिए आइडेंटिटी है, ओके। फोर्थ वाला देखते हैं, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और अगर हम लोग मैट्रिक्स ए को ऐड कर रहे हैं माइनस ए मैट्रिक्स के साथ में, ओके, ए मैट्रिक्स है उसका हमने माइनस ए निकाल लिया, ओके, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, ए प्लस माइनस ए करो या फिर माइनस ए प्लस ए करो, हम लोगों को क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर जीरो इज जीरो मैट्रिक्स, ओके। अभी फिफ्थ वाला देख लेते, अल्फा है यहाँ पर और ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए प्लस बी, मीन्स कहने का मतलब है ए प्लस बी भी है और यहाँ पर ए माइनस बी है, ओके, तो अगर प्लस हो या माइनस हो, तो अगर अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से मिलेगा, अल्फा ए प्लस अल्फा बी, ओके, अगर माइनस वाला है तो अल्फा ए माइनस अल्फा बी, इस तरह से मिलेगा, ओके। वैसे ही अगर यहाँ पर देखो क्या है, अल्फा अल्फा और बीटा है और ए जो है राइट साइड में है, तो इधर मल्टीप्लाई होगा अल्फा को, इधर मल्टीप्लाई होगा बीटा को, ओके,
अब अल्फा बीटा इंटू ए है, ओके। इस तरह से अगर हम लोग करते हैं, मीन्स यहाँ लेफ्ट साइड के हिसाब से क्या है, बीटा पहले ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें अल्फा मल्टीप्लाई होगा, और राइट साइड का क्या कहना है कि अल्फा बीटा पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग उसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो भी आंसर आएगा वो इक्वल होगा, ओके। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर जीरो मैट्रिक्स को अगर हम लोग ए मैट्रिक्स या किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो ही मिलेगा, ओके। इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, 2.2 का सम में इसमें हम लोगों ने फर्स्ट वाला सॉल्व किया था, ओके। अभी हम लोग सेकेंड वाला देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आंसर लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए बी और सी का वैल्यू लिखेंगे आंसर में। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, शो दैट करना है, क्या शो दैट करना है वो लिख लेंगे, ओके। तो हम लोगों को शो दैट क्या करना था, ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी लिख रहे हैं, ओके, इक्वल्स टू लेफ्ट साइड में ए लिखा है, राइट साइड में बी लिखा है। अभी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो एडिशन कैसे होगा, 2 प्लस -1 उसको हमने यहाँ लिख लिया, फिर -3 प्लस 2 हमने यहाँ लिख लिया, ओके। 5 प्लस 2 हमने यहाँ लिख लिया, ओके। -4 प्लस 2 हमने यहाँ लिख लिया, -6 प्लस 0 हमने यहाँ लिख लिया, 1 प्लस 3 हमने यहाँ लिख लिया, ओके। 2 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, +1 आएगा। -3 प्लस 2 करेंगे क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कौन सा है, -3 बड़ा है +2 छोटा है, ओके। मीन्स -3 बड़ा है मतलब ऐसे नहीं, 3 और 2 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, ओके। तो 3 बड़ा है तो 3 का साइन आएगा, 3 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस आ गया यहाँ पे। 5 प्लस 2 करेंगे 7 आएगा, -4 और 2 तो -4 और 2 मतलब -4 प्लस 2 करेंगे क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। -2 क्यों मिलेगा, क्योंकि 4 जो नंबर है वो क्या है, 2 से बड़ा है, 4 नंबर की बात कर रहा हूँ, तो 4 को जो साइन है वो साइन यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को। -6 प्लस 0 करेंगे -6 आएगा, 1 प्लस 3 करेंगे 4 आएगा। तो ये क्या फाइंड आउट कर लिया हमने, ये ए प्लस बी है, लेकिन हमारे लेफ्ट साइड में क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट में एंड देन प्लस सी। तो ए प्लस बी का जो हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पर, उसको यहाँ लिख लिया है, और ये सी मैट्रिक्स है हमने यहाँ लिख लिया। अभी क्या करेंगे, एडिशन कर लेंगे। तो ये 1 4 से मल्टीप्लाई कर, मीन्स सॉरी मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ मैं, 1 प्लस 4 यहाँ लिख लिया, -1 प्लस 3 हमने यहाँ लिख लिया, 7 प्लस -1 यहाँ लिख लिया, -2 प्लस 4 हमने यहाँ लिख लिया, -6 प्लस -2 यहाँ पर लिख लिया, 4 प्लस 1 हमने यहाँ पर लिख लिया। अभी देखो ये 1 प्लस 4 है, 5 हो जाएगा, यहाँ पे -1 प्लस 3 है, 2 मिलेगा, +7 -1 +6 मिलेगा, -2 प्लस 4 +2 मिलेगा। बिगर नंबर साइन क्या है, 4 है, सॉरी पॉजिटिव है, बिगर नंबर साइन तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। -2 और -6 दोनों को ऐड करेंगे, -8 मिलेगा, 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया, इसको हम लोग दे देंगे नंबर 1। तो राइट साइड में हम लोगों को क्या करना था, बी प्लस सी मतलब हम लोग का जो राइट साइड है वो क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से फाइंड आउट करना है। तो पहले ये वाला सॉल्व कर लेंगे। तो बी प्लस सी लिखा है, सबसे पहले मैट्रिक्स बी लिखा है, फिर प्लस लिखा है, फिर मैट्रिक्स सी लिखा है, ठीक है। -1 प्लस 4 यहाँ लिख लिया, 2 प्लस 3 यहाँ लिख लिया, 2 प्लस -1 यहाँ लिख लिया, 2 प्लस 4 यहाँ लिख लिया, 0 प्लस -2 यहाँ लिख लिया, ओके। 3 प्लस 1 यहाँ लिख लिया, ओके।
इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, पॉजिटिव 3 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे पॉजिटिव 5 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे पॉजिटिव 1 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 6 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, नेगेटिव 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, पॉजिटिव 4 आएगा। ओके, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स से लिखेंगे, फिर प्लस लिखा, बी प्लस सी का आंसर लिखा। ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये और ये ऐड हो जाएगा, मतलब 3 लिख लिया, माइनस 3 प्लस 5 लिख लिया, 5 प्लस 1 लिख लिया, माइनस 4 प्लस 6 लिख लिया, माइनस 6 प्लस माइनस 2 लिख लिया, 1 प्लस 4 लिख लिया। अभी इसको ऐड करेंगे 5 मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे 6 मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे पॉजिटिव 2 मिलेगा, क्योंकि 4 और 6 में से 6 बड़ा है, 6 का साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। माइनस 2 और माइनस 6 को ऐड करेंगे माइनस 8 आएगा, 4 आई मीन्स 1 प्लस 4 करेंगे 5 आ गया। ये हो गया हमारा 2, मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों को क्या मिला था। ओके, तो अभी हम लोग ये जो हमारा ये हमारा लेफ्ट साइड वाला सॉल्यूशन किया था हमने, उसका ये आंसर है। ओके, ये ऊपर की तरफ में लिखा हुआ है, और ये हमारा राइट साइड का सॉल्व किया हुआ है। तो ये हमारा नंबर 1 दिया था हमने, ओके, और ये नंबर 2 दिया था। तो इक्वालिटी के लिए हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं है। ये भी 3/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/2 का मैट्रिक्स है, 3 रोज 2 कॉलम है, 3 रोज 2 कॉलम है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करेंगे। ये पहले वाले का करस्पॉन्डिंग ये है, इक्वल है क्या, यस इक्वल है। दूसरे वाले का करस्पॉन्डिंग, हाँ बराबर है, ये 6 है, ये भी 6 है। थर्ड वाला, फोर्थ वाला देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और ये -8 -8 है, ये 5 और 5 है। ओके, तो ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। तो मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट, इसके बाद फ्रॉम 1 एंड 2, ओके, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर बाहर सी इज इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट बी सी, दोनों के बीच में इक्वल हमने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं 2.2 का। ओके, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, 2.2 का हमने फर्स्ट सम कर लिया, अभी देखो सेकेंड सम, थर्ड सम। ओके, तो अभी हम लोग सेकेंड वाला सम सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड वाले सम में क्या दिया है, मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है, और हम लोग को फाइंड आउट क्या करने बोला है, ए माइनस 2b प्लस 6i, वेयर i इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन 2 हम लोग क्वेश्चन 2 में हमने क्या देखा था कि एक दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है, ए माइनस 2b 6 प्लस 6i, यहाँ पर i क्या दिया है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो आंसर पार्ट में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स लिख लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर 2b और 6i है, तो पहले 2b और 6i हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो तुम लोग को याद होगा। तो यहाँ पर देखो ये b है, तो अगर मुझे 2b फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वही किया हमने, 2b लिखा है और ये 2 हमने यहाँ पर राइट साइड में मल्टीपल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब ये 2 चारों एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने 4 एलिमेंट है। तो पहले वाले को जब मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 मिलेगा, ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो -6 मिलेगा, ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 8 मिलेगा, ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो -14 मिलेगा। तो ये हमको 2 भी मिल गया। ठीक है, अभी देखो हम लोग को 6i फाइंड आउट करना था, तो 6 into i लिखा है, 6 into i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होता है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, और हमने ये 2/2 लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ऑर्डर 2 का है। ठीक है, तो जब ये 6 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये 6 मिलेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा। ठीक है, अभी जो हम लोगों को फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को, ए माइनस 2b प्लस 6i। ओके, तो हमने यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिख लिया है, उसके बाद ये माइनस यहाँ लिख लिया है,
टू बी मैट्रिक्स का आंसर लिख लिया यहाँ पर, फिर ये प्लस था वो प्लस यहाँ लिख लिया हमने, और सिक्स आई का आंसर हमने यहाँ लिख लिया। अभी यहाँ पर करना कैसे, सबसे पहले ये लिखेंगे, देखो यहाँ पर ये लिख लिया है, फिर ये माइनस साइन लिखेंगे यहाँ पर, वो लिख लिया है, फिर इसका एलिमेंट यहाँ पर टू लिख लिया है, ओके। उसके बाद ये प्लस लिखेंगे, प्लस लिख लिया है, फिर यहाँ पर ये सिक्स है वो लिख लिया। इसी तरह से ये माइनस टू लिखा है, फिर ये माइनस लिखेंगे, ओके, फिर ये माइनस सिक्स लिख लिया हमने यहाँ पर, फिर ये प्लस लिखेंगे और फिर जीरो लिखेंगे। इसी तरह से फाइव माइनस एट प्लस जीरो, ओके, यहाँ पर आ गया। उसके बाद थ्री माइनस माइनस फोर्टीन प्लस सिक्स, यहाँ लिख लिया, ओके। तो अभी क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, मीन्स सिक्स प्लस वन तो सेवन लिख लिया यहाँ पे, माइनस टू एज इट इज रखा है। अभी देखो ये जो है ना माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पर तो क्या मिलेगा प्लस सिक्स, और ये माइनस टू एज ए लिखा है। जीरो ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म तो चेंज होने वाले नहीं, तो ऐसे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जीरो अगर माइनस एट को ऐड होगा तो माइनस एट ही मिलेगा, तो फाइव माइनस एट लिख दिया यहाँ पर, ओके। अभी ये देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और ये थ्री प्लस सिक्स करेंगे तो यहाँ पर नाइन आएगा, ओके ओके। ये ऐड करके क्या हो जाएगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव फोर्टीन मिलेगा, और थ्री प्लस सिक्स ऐड होगा तो हम लोग क्या मिलेगा, नाइन मिलेगा, ओके। उसके बाद ये देखो सेवन माइनस टू करेंगे फाइव आएगा, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव फोर आएगा। ये इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस थ्री आएगा, और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो यहाँ पे आएगा नाइन और ये फोर्टीन, ओके, तो यहाँ आ जाएगा ट्वेंटी थ्री, ओके। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट वाला सम, ओके। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो बहुत इजी है, एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दिया है, और क्या बोला है, फाइंड सी सच दैट ए बी सी इज अ जीरो मैट्रिक्स। तो करना क्या है तुम लोगों को, सबसे पहले आंसर पार्ट में ए और बी मैट्रिक्स लिख लेंगे, और उसके बाद लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, यहाँ पे वो लिखा है मतलब जीरो मैट्रिक्स। हम लोग क्या करना है, सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, सी को लेफ्ट साइड में रखेंगे, ए और बी को राइट में लेके जाएंगे, तो माइनस ए माइनस बी, ओके। यहाँ पर सी मैट्रिक्स लिख लिया, ओ मैट्रिक्स, अभी ओ मैट्रिक्स के साथ अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं तो इसके बाद हम लोग माइनस ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा, ओके। तो इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो दोनों मैट्रिक्स लिखेंगे आंसर में, फिर ये लिखेंगे, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर ये उसके बाद क्या स्टेप, ये ए और बी राइट साइड में लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर अगर जीरो को इनके साथ ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है, माइनस ए माइनस बी आएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और बी का जो माइनस है हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। इसके बाद के स्टेप में क्या करना है तुम लोगों को, ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए प्लस बी जैसे ही तुम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा, उसके बाद क्या लिखेंगे, सी माइनस ए प्लस बी, और ए प्लस बी का जो भी मैट्रिक्स का आंसर मिला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एलिमेंट में माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सी का आंसर मिल जाएगा, बहुत ईजी है, कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन फोर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है, मैट्रिक्स सी दिया है, क्या करना है, एक्स का वैल्यू मीन्स मैट्रिक्स एक्स फाइंड आउट करना है, और साथ में ये दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं फिर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग फोर्थ वाला करने वाले हैं, तो किस तरह से करेंगे, आंसर में मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी लिख लिया। उसके बाद देखो हमारे पास जो दिया हुआ है, दैट इज थ्री ए माइनस फोर बी प्लस फाइव एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो सबसे पहले थ्री ए फोर बी निकालेंगे, फाइव एक्स नहीं निकालेंगे क्योंकि एक्स मैट्रिक्स ही फाइंड आउट करना है, तो थ्री ए और फोर बी सबसे पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। तो थ्री ए फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लिखा, थ्री ए यहाँ पर थ्री आ जाएगा, और ये क्या है, मैट्रिक्स ए है, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे थ्री आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स आएगा,
ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे -15 आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे -18 आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। ओके अभी क्या करना है, इसके बाद हम लोग को 4b फाइंड आउट कर लेना है। ओके सो ये b मैट्रिक्स है ये पूरा, तो इसमें हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह बी 4 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके 4 और 4 मल्टीप्लाई किया, अभी ये 4 -1 को मल्टीप्लाई होगा -4 मिलेगा, ये इसको मल्टीप्लाई होगा -8 मिलेगा, ये इसको मल्टीप्लाई होगा 16 मिलेगा, ये जब इसको मल्टीप्लाई होगा 8 मिलेगा, ये इसको मल्टीप्लाई होगा 4 मिलेगा, ये इसको मल्टीप्लाई होगा 20 मिलेगा। ओके 4b भी फाइंड आउट कर लिया हमने। इसके बाद देखो ये टर्म ऑलरेडी हम लोगों को दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिंस लिखा है। ठीक है यहाँ पे देयरफॉर बिल्कुल भी मत लिखना, ये लिख लिया है। ठीक है उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को x मैट्रिक्स के वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा, राइट साइड में लेके आऊंगा, तो ये जो पॉजिटिव है ये -3a हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो +4b हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, सी मैट्रिक्स की जगह पे सी के वैल्यू, फिर ये माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, 3a मैट्रिक्स मीन्स 3a का जो आंसर फाइंड आउट किया था वो यहाँ लिख लिया, फिर ये प्लस यहाँ लिख कर 4b का जो आंसर फाइंड आउट किया था हमने वो यहाँ लिख लिया। ठीक है अभी इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, 2 -3 +-4 वो यहाँ लिख लिया। ओके 4 -6 -8 यहाँ लिख लिया। ओके -1 -9 +16 यहाँ लिख लिया, -4 -15 +8 हमने यहाँ लिख लिया। ओके उसके बाद -3 -18 +4 हमने यहाँ लिख लिया। ओके फिर 6 -0 +20 यहाँ से प्लस लिया और ये 20। ओके अभी उसके बाद अभी देखो ये हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये देखो ये हम लोग करेंगे तो कितना आ गया, -1 आ गया, और ये -4 एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है अभी यहाँ पे देखो ये माइनस और ये प्लस का मल्टीप्लीकेशन होगा -8 आएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है बाकी सब एज इट इज रखा हुआ है। ओके उसके बाद ये दोनों ऐड करेंगे, -1 -9 -10 आ गया, 16 एज इट इज लिखा हुआ है। अभी देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, +15 आएगा, और -4 +8 करेंगे तो +4 आएगा। ओके अभी यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, -3 +4 करेंगे +1 आ जाएगा, और ये जब माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा +18 आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो ये -0 है तो चेंजेस तो कुछ भी नहीं होगा, 6 और 20 में 6 पॉजिटिव है 20 पॉजिटिव है तो क्या आ गया, 26 आ गया। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, -5 आएगा। ओके इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। कैसे, 4 + 6 कितना होता है, 10, 10 - 8 करेंगे 2 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे +6 आएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 19 आएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे 19 आएगा, और ये है 26 एज इट इज लिख लिया। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, 5 × x है। अभी क्या करना है हम लोग को, एक्स का फाइंड आउट, एक्स का ये एक्स डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, ये 5 को है ना राइट साइड में लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड था यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। ओके तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट एक्स का वैल्यू मिल गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके मीन्स मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू मिल गया। ओके इसके बाद नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके तो फोर्थ वाला सम हमने कर लिया है, अभी फिफ्थ और सिक्स दोनों सेम सम है, खाली यहाँ पर जो मैट्रिक्स लिखा है दोनों अलग अलग है। क्या फाइंड आउट करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो फिफ्थ वाला मैं करा रहा हूँ, सिक्स वाला बहुत ईजी है, तुम लोग आसानी से कर सकते हो। तो देखते हैं कि हम लोग फिफ्थ वाला कैसे सॉल्व करते हैं। ओके तो फिफ्थ वाला सम का क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है। तो आंसर में सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे। ओके मैट्रिक्स ए लिखने के बाद हम लोग क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज के लिए मैंने क्या बताया था, इस रो को मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाले कॉलम में लिख रहा हूँ। ठीक है 5 1 - 4 ये क्या था, रो 1 में था, तो इसको हमने कॉलम 1 में लिख लिया। अभी 3 2 0 रो 2 में है, तो हम लोग ने इसको कॉलम 2 में लिख लिया, 3 2 0
ये क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो हम लोग क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ठीक है। तो अभी ये जो रो है 5 3, उसको फर्स्ट कॉलम में लिख लिया, सेकंड वाला 1 2 रो में था उसको सेकंड कॉलम में लिख लिया, -4 0 थर्ड रो में था उसको थर्ड कॉलम में लिख लिया। तो हमने क्या कर लिया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया है। देखते हैं अभी नेक्स्ट हम कौन सा सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, तो अभी इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8, दोनों में से एक कराने वाला हूं मैं, दोनों में से एक, और एक तुम लोगों को करना है, बस एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे करेंगे। ओके, तो मैं अभी फिलहाल ये 8th वाला करा देता हूँ, 7th वाला तुम लोगों का होमवर्क रहेगा। तो देख लेते 8th वाला सम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन 8 क्या है, फाइंड एक्स वाई जेड, एक मैट्रिक्स दिया है और ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऐसा बताया है, ठीक है। तो आंसर में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, वो मैट्रिक्स ही लिख लेंगे, ओके, और सिमेट्रिक है ऐसा लिख लेंगे, ओके। वी नो दैट, क्या पता है हम लोगों को, ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस, ओके, ये जे आई है, सॉरी, ठीक है, ये आई जे और ये माइनस जे आई फॉर ऑल आई एन जे, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या मिलता है, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है। तो ये A12 है, ये A21 है, तो देखो 1221 माइनस 1331 माइनस 23 माइनस 32, ओके। अभी A12 कहाँ पर है, ये रहा A12, तो इसका वैल्यू हमने यहाँ लिख लिया। A2 पहले ये माइनस लिख लेंगे यहाँ पे, A21 कहाँ पर है, ये रहा, तो इसका जो भी वैल्यू है वो लिख लिया। अभी A13 ये है A13, तो इस पे वो पोजीशन पे x वैल्यू था वो लिख लिया। अभी ये माइनस लिख लेंगे, अभी A31 कहाँ पर है, ये रहा, तो हमने क्या लिख लिया, 3/2 लिख लिया। A23 ओके, 23 ये रहा, तो z हमने यहाँ लिख लिया, फिर ये माइनस लिखेंगे, ओके, और A32 कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ -2 हमने लिख लिया, ओके। अभी ये देखो दोनों माइनस माइनस है, क्या हो जाएगा, दोनों का माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो y इज इक्वल्स टू 5y। अभी यहाँ पर तो कुछ चेंजेस करने जैसा है नहीं है, तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अभी इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, अरेंज करने का मतलब x का वैल्यू पहले लिखेंगे, y का वैल्यू बाद में, एंड देन z का वैल्यू, यहाँ पे देखो एंड लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉमा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अभी जो हम लोगों ने, मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन 7 कैसे करेंगे, कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और वी नो दैट में क्या आएगा, ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जे, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, A21 इज इक्वल्स टू, माइनस नहीं रहेगा, मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 7th वाले की, यहाँ पर भी माइनस नहीं रहेगा और यहाँ पर भी माइनस नहीं रहेगा, 7th वाले के लिए बता रहा हूँ। फिर जो भी वैल्यू है A12 21 का, A13 और 31 का, A23 और 32 का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को वहां पर जो फाइंड आउट करना है उसका आंसर मिल जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी का जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।